अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, QS एम्प्लॉइज टीवी में खुश आमदी। दोस्तों, विफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को आज की इस खबर की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से अपडेट होगी सबसे पहले आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहेगी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। वज़ीरे आला पंजाब ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी देते हुए कहा कि डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 4000 रुपये तक का इजाफा किया गया है और तनख्वाह 17000 से बढ़ाकर 21000 रुपये कर दी गई है। याद रहे कि चंद रोज कबल वज़ीरे आला सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात को पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी थी। मुआवने खसूसी ने बताया था कि स्पेशल अलाउंस की मद में 10 से 15% इजाफे की तजवीज पेश की गई है। ख्याल रहे कि वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया था और सूबों को हिदायत की थी कि वो भी तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करें। वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को इडाक रिलीफ दिया जाए। विफाकी सेक्रेटरीट और उनसे मुतल्लिक इदारों के मुलाजमीन इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।